राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी समायोजन कृति समिति महाराष्ट्र राज्य की ओर से 25 अक्टूबर से पूरे राज्य में आंदोलन शुरू है। आंदोलन में राज्य से हजारों कर्मचारी शामिल हुए हैं। ऐसे में नागपुर में आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों ने अपनी तीव्र भावनाएं एनबीसीएन के सामने व्यक्त की है। ऐसे में नागपुर में आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों ने अपनी तीव्र भावनाएं एनबीसीएन के सामने व्यक्त की है। उनका कहना है कि सरकार ने सभी आरोग्य कर्मचारियों को सरकारी सेवा में सम्मिलित करना चाहिए या जब तक समावेश नहीं होता तब तक नियम के अनुसार वेतन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को काफी कम वेतन मिल रहा है, उसमें भी कर्मचारी कई किलोमीटर गाड़ी से जाकर अपनी नौकरी कर रहे हैं। आंदोलनकर्ताओं से बात की है एनबीसीएन ने, देखते हैं क्या है उनका कहना। राज्य की आरोग्य व्यवस्था जिनके भरोसे है वो एनएचएम के कर्मचारी सभी 25 तारीख से जो है आंदोलन पर है। उनकी क्या मांगे हैं वो जानने के लिए आज हम आए हैं। ये आंदोलन जो है पूरे राज्य में चल रहा है और नागपुर में भी शुरू है। तो मैम मुझे बताइए कि ये जो आंदोलन है क्या मांगे हैं आपकी, जो मुख्य मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है कि हमारा समायोजन किया जाए। जो भी जितने 167 कैडर है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आते हैं उन सबका समायोजन, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अभी जैसे वो इसके लिए आए हैं, रिटायरमेंट के लिए आए हैं, तो सब लोगों का जैसे अभी कंत्राटीकरण किया गया है वो छोड़ के सबका परमानेंट करना चाहिए सरकार ने, और उस तरह से उन्होंने धोरण बनाना चाहिए या फिर जो आरआर है रूल्स एंड रेगुलेशन वो चेंज करके कुछ तो भी हमारे लिए करना चाहिए। यही हमारे सबसे पहली मांग है। और जब तक हमें ये समायोजन इनकेस अभी तुरंत नहीं दे सकते तो तब तक हमें ग्रेड पे लाइक समान काम समान वेतन ये तो भी लगाना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली और आखिरी मांग है। बाकी राज्यों में भी बहुत से आप ही की तरह काम करने वाले लोग होंगे, उनकी क्या स्थिति है, उनके सरकारों ने क्या कदम उठाया है और महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? सर हमारी मुख्य मांग वही है, फिलहाल एमपी के धरती पर परमानेंट किया गया है, बाकी राज्यों में ग्रेड पे भी लगाया गया है, उनको जितना पेमेंट जरूरी होता है लिविंग के लिए उनका उतना पेमेंट उनको चाहिए है। खाली हमारे महाराष्ट्र में ऐसा है कि इंसेंटिव भी बहुत कम निकल जाता है और पेमेंट भी बहुत कम निकल जाता है, और दूसरी जो फैसिलिटी रहती है पीएफ रहता है वो हमारा कट्टा नहीं, अदर भाड़े रहते हैं घर भत्ता रहता है वो भी नहीं निकलता। मैं जिस जिले से आता हूँ बुलढाणा जिला लोणार सरोवर, मेरा घर यहाँ से नागपुर से फिलहाल 350 से 400 किलोमीटर है। इतने दूर मैं इधर रहता हूँ, इधर मुझे रेंट पे रूम वगैरह सब करना पड़ता है, कौन सा ही क्वार्टर उपलब्ध नहीं है, पूरा भाड़ा पूरा खर्चा खुद के पैसे पर करना पड़ता है, और इतने महंगाई के जमाने में सीएचओ अधिकारी को इतना कम पेमेंट है इसका लाजिरवाना जैसा ये कारोबार चालू है। हम 30-31 को मुंबई को भी गए थे, कुछ उधर हमारा कोई ही समाधानकारक स्टेटमेंट उधर मिला नहीं, और मैं बदली धोरण हम गए 3 साल से बदली धोरण के पीछे है, अभी तक कौन सा ही ड्रॉप तैयार नहीं और बदली धोरण का भी अभी तक कोई तैयार नहीं। बदली धोरण जिससे जल्दी हो सके उतने जल्दी हमको अपने बदली धोरण और समायोजन लगना चाहिए, और जब तक समायोजन नहीं होता तब तक हमारे को समान काम समान वेतन होना चाहिए। महाराष्ट्र तो वैसे तो विकसित राज्यों में आता है मगर कर्मचारियों की क्या स्थिति है आप खुद देख सकते हैं, वो भी आरोग्य कर्मचारी जिनके कंधे पे पूरे राज्य के लोगों की आरोग्य व्यवस्था है। आप लोग जो है अभी इतने कम वेतन में काम कर रहे हैं, फिलहाल किस तरह की स्थिति है लोगों, आप लोगों को क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है? देखिए सर हमारे यहाँ समुदाय आरोग्य अधिकारी इनका मानदन जो है जो 25,000 है, और वो कैडर में बीएमएस बीयूएमएस एंड बीएससी नर्सिंग जैसे ग्रेजुएट लोग है, अभी ग्रेजुएट लोगों का जो मानदन है वो 25,000 है, 15,000 रुपए इंसेंटिव है, जो काम जितना करेगा उस पे मिलेगा, तो 15,000 कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, उससे कम भी मिलता है अभी इतने, और वो मानदन इंसेंटिव जो है वो इंसेंटिव दो दो तीन तीन महीने चार चार महीने मिलते नहीं है, ठीक है, ये स्थिति है अभी आज के जमाने में। इतनी महंगाई के जमाने में 25,000 में क्या गुजारा होगा? ऐसे सेंटर्स है जो 70-70 किलोमीटर भी दूर है नागपुर से, हमारे सीए जो लोग 70-70-80-80 किलोमीटर दूर जाते हैं वो ड्यूटी पानी करते हैं वहां जाके, अभी आप लोग सोचो कि 70-80 किलोमीटर जाके रिटर्न आना इसमें कितना पेट्रोल खर्चा होता है, और कम से कम 8 से 10 हजार रुपए अगर पेट्रोल को खर्चा होता है तो 25,000 में गुजारा कैसे होगा? मैक्सिमम लोग बाल बच्चे वाले है फैमिली वाले है, गुजारा कैसे होगा ये सरकार ने सोचना चाहिए।
चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे कैडर का पेमेंट हमारे से, जो कंत्राटी है उनका भी पेमेंट हमारे करीब करीब हमारी इतना है। फिर हमारी इतना पढ़े करने का क्या मतलब है, डॉक्टर बनने का क्या मतलब है, बीएससी नर्सिंग करने का क्या मतलब है, बीएमएस करने का क्या मतलब है। तो सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा समायोजन इनसे नहीं होता है, कम से कम हम तो ये हमारी पहली मांगनी रहेगी समायोजन, अगर इनकेस किसी कारणवश हमारा समायोजन अभी नहीं कर सकते तो जब तक करेंगे समायोजन तब तक कि हमें एक तो सम्मानजनक पेमेंट होना, हमारा ग्रेड पे बढ़ाना चाहिए और हमें अस्थाई कैडर ब गढ़ ब का दर्जा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो ऐसे में आप क्या कदम उठाओगे? अभी सरकार को ये समझना चाहिए कि गांव खेड़ों पाड़ों में जो पूरी आरोग्य व्यवस्था हमारे से टिकी हुई थी, हम 8000 CHO है टोटल राज्य महाराष्ट्र राज्य में, 8000 लोगों के वजह से जितनी भी और सभी जो 8000 CHO है सभी गांव खेड़े में काम करते हैं, गांव खेड़े की जनता परेशान है, अभी 8 दिन हो गए। अभी ये गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि ये आंदोलन कब तक उनको लेके चलना है। हम तो अपना सब घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, हम हमारी तैयारी है जितना समय लगेगा कुछ तो भी गवर्नमेंट पॉजिटिव निर्णय ले इस बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरोग्य सेवा मिले और जो हैम्पर्ड हुई है आरोग्य व्यवस्था वो सुरक्षित हो जाए। पिछले 8 दिनों से यह आंदोलन जारी है, ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की आरोग्य व्यवस्था, आरोग्य जो कर्मचारी है वो यहीं पे आंदोलन में शामिल है, और आरोग्य व्यवस्था का क्या हाल होगा ये आप सोच सकते हो। ऐसे में सरकार ने निर्णय इस विषय पर जल्दी से जल्द देना चाहिए ताकि ग्रामीण लोगों और जो शहरी लोग भी है जहाँ पे ये जो कर्मचारी है अपनी व्यवस्था दे रहे हैं उन्हें सही से आरोग्य व्यवस्था मिल सके। कैमरा पर्सन अजित के साथ मैं प्रकाश शंकलवार, BCN न्यूज नागपुर।